स्लैक के चैटबॉट के लिए हम सबसे पहले एक स्लैक का अकाउंट बनाएंगे, फिर हम पोस्ट और रीड मैसेज का फंक्शन बनाएंगे पाइथन में। स्लैक का अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए, और अगर आपके पास कोई वर्कस्पेस नहीं बना हुआ तो सबसे पहले एक वर्कस्पेस बनाइए। मैं अपने आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, अपनी ईमेल आईडी से, और ओटीपी डाला, कंपनी का नाम बताया, डेमो कंपनी, और एक जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो बताया। ये बेसिक प्रीरिक्विजिट्स हैं स्लैक अकाउंट बनाने के लिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। तो आपका स्लैक वर्कस्पेस रेडी है। अब आपको एक ऐप्स बनानी होगी, उसके लिए आपको जाना होगा api.slack.com पे, और वहाँ पर आप सिंपली गेट स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर दीजिए, क्रिएट एन ऐप, अपनी ऐप का नाम दीजिए। आपको एक ऐप बनानी है और एक बॉट बनाना है, क्विक स्लैक बॉट हमारी ऐप का नाम, और हमारे वर्कस्पेस जिसके अंदर ये ऐप अवेलेबल होगी। एक बॉट का यूजर बनाते हैं जिससे हम एक्चुअल में चैट करेंगे, इसका नाम भी सेम रख देते हैं पर आप चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज शो माई बॉट एज ऑनलाइन, अगर आप कर देंगे तो आपका बॉट हमेशा ऑनलाइन होगा, अदरवाइज जब भी आप चैट करेंगे तभी वो ग्रीन होगा जब आपका बॉट रेडी होगा। इंस्टॉल ऐप टू वर्कस्पेस करेंगे तो आपका बॉट आपके वर्कस्पेस में लेफ्ट बॉटम में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप हर बार जब भी आपको चेंज करेंगे आप ऑथराइज करना पड़ेगा। बॉट का टोकन कॉपी कर लीजिए, ये आपको आगे यूज़ होगा। आपका क्लाइंट स्लैक क्लाइंट या पाइथन क्लाइंट इसी आईडी को यूज़ करेगा। तो सबसे पहले आपको पाइथन 3.6.5 चाहिए, मेरे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट में है तो मैं इसलिए उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, आपको हो सकता है इस चीज़ की ज़रूरत ना हो। और आपको करना है पिप इंस्टॉल स्लैक क्लाइंट, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, यही आपकी सारी कम्युनिकेशन हैंडल करेगा स्लैक के साथ। ये कि इंस्टॉल हो गया है, अब हम एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके लिए आप किसी भी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, मैं पाइचाम को यूज़ कर रहा हूँ, आप जुपिटर नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले होगा इंपोर्ट स्लैक क्लाइंट फ्रॉम स्लैक क्लाइंट नेम्स वर्क्स पैकेज। आप सबसे पहले एक टोकन वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर वो की जो आपने कॉपी की थी वो ये आप ऑथ की डाल देंगे, क्योंकि ये सिंपल डेमो है इसलिए हम ये की यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं। अपने एनवायरनमेंट में जब इसको प्रोडक्शन रेडी बनाएंगे तो आप इसको सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रियल टाइम मैसेजिंग से कनेक्ट होता है कि नहीं। RTM कनेक्ट मीन्स रियल टाइम मैसेजिंग। स्लैक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जब आप मैसेज पोस्ट करते हैं तो आपको आपको विद इन 30 सेकेंड आपको रीड करना होता है, ये रियल टाइम मैसेजिंग है। रन करके देखते हैं, कोई एरर नहीं आया है, इट मीन्स हमारा RTM कनेक्ट काम कर रहा है। अगर आप 3.6.4 यूज़ करेंगे पाइथन वर्जन तो आपको हो सकता है कि कुछ एरर आए। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बोट आईडी लेते हैं। बोट हमने जो क्विक स्लैक बोट बनाया था उसका वो उसका नाम था, उसकी एक इंटरनल आईडी होती है। हम जो फंक्शन बना रहे हैं हम वहाँ पे उसकी आईडी लेंगे, वो हमारे को मैसेज पोस्ट करने के टाइम वो हमारे को आईडी यूज़ होगी। हम एक वेरिएबल बनाते हैं API कॉल, और जो हमने स्लैक क्लाइंट बनाया है उसकी API कॉल करते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ यूजर्स डॉट लिस्ट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट APIs हैं जो स्लैक प्रोवाइड करता है आपको, सारी जो जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपको एनेबल करनी पड़ेंगी, वो हम वीडियो में आगे दिखाएंगे आप कैसे इन परमिशंस को प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यूज़र्स की लिस्ट ली, उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट आई, हमने उसको लिस्ट में पार्स किया कि हमारा जो यूज़र है क्विक स्लैक बोट वो आता है कि नहीं। मैं प्रिंट कर हम लेट अस प्रिंट इट और देखते हैं कि प्रिंट होके हमारे पास किस तरह का आउटपुट आता है स्लैक से। कॉल करते हैं गेट बोट आईडी को, और हमारे पास तीन बोट्स, इन्होंने तीन आईडीज दिखाई, सब तीन यूजर्स वहां पर हैं हमारे। हाँ, वी आर इंटरेस्टेड इन लास्ट वन क्विक स्लैक बोट। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये आईडी है, नेम वेरिएबल आया है कि नहीं आया, और यूज़र डिलीटेड तो नहीं है। अगर डिलीटेड है, डिलीटेड नहीं है तो उसकी आईडी क्या है, प्रिंट करके देखते हैं। नन आई है, इसका मतलब हमने कहीं कुछ गड़बड़ करी है। तो क्या गड़बड़ करी है, चलो पहले एक काम करते हैं, इसको पैरामीटराइज कर लेते हैं, हार्ड कोड नहीं करते हैं। करेक्ट,
अभी नन है, इसका एरर हो गई, एरर है कि यूजर डॉट गेट नेम, नेम हमारा की है, हमारे किस की को लेना होगा और उसकी वैल्यू देनी होगी, तब हमारे यूजर डॉट गेट की नेम अरे आ गया है, तो हमारा ये फंक्शन रेडी है। हमारा काम है रीड और राइट, रीड मैसेज फ्रॉम स्लैक एंड पोस्ट मैसेज टू स्लैक, इस फंक्शन को बनाने का। तो एक फंक्शन बनाते हैं डेव पोस्ट टू स्लैक, उसके अंदर हम देंगे चैनल का नाम और देंगे किस मैसेज को उस चैनल पे भेजना है। चैनल जो स्लैक की स्क्रीन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चैनल्स होते हैं जिसमें मल्टीपल लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, उनको चैनल्स बोलते हैं। एक डायरेक्ट लाइन चैनल होता है जिसमें यूजर डायरेक्ट आपके बोर्ड के साथ ही चैट कर सकता है। हमने पोस्ट मैसेज नाम की एपीआई कॉल करी, हम इस एपीआई को एनेबल भी करेंगे परमिशंस में, ऑथ परमिशंस में। तो हमने चैनल का नाम दिया, मैसेज दिया और हमने दिया एज यूजर इज इक्वल टू ट्रू। हम अगर इसका मतलब है कि जो पोर्ट एज ए यूजर आपको मैसेज भेज रहा है, हमको बीच में इसको ट्रू और फॉल्स करना पड़ेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट, फाइनल में हम इसको ट्रू कर देंगे, ट्राई करके देखते हैं। बॉट्स चैनल का नाम हेलो वर्ल्ड मैसेज F10, जाकर देखते हैं कुछ हुआ। बॉट्स नाम के चैनल में आप देखें कुछ नहीं आया है, परमिशन चेक कर लेते हैं, हमने परमिशन नहीं दी थी अभी तक, तो जरूरी परमिशन है वो दे देते हैं। मैसेज नहीं आया, आपको परमिशन देनी होगी। हम मैसेज रीड, मैसेज राइट, बॉट, पोस्ट एज बॉट, चैट डॉट राइट डॉट बॉट, ये सारे स्कोप्स हैं जिसको आपको प्रोवाइड करना होगा। आप अपने बॉट्स, फॉर एग्जांपल आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ फाइल अपलोड की परमिशन यहाँ पे देनी होगी। हम अगर आपको मैसेज लेना है तो आपको मैसेज की हिस्ट्री पढ़ने की आपको परमिशन देनी होगी। तो अभी हमारे को पोस्ट करना है और मैसेज रीड करना है तो हम वो परमिशन दे देते हैं। जो जो परमिशन ऑलरेडी ऐड हो चुकी है उसके लिए दिखा रहा है ऑलरेडी एडिट है। जो प्रोफाइल रीड करने का प्लेयर था, हालांकि इसमें बहुत सारी परमिशन हम ऐसी दे रहे हैं जिसको हम इस डेमो में यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आपको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते हैं यूज़र के नाम क्या है, यूज़र किस कंपनी में काम करता है एटसेट्रा, जब भी आप कोई परमिशन चेंज करते हैं तो आपको उसको आपको रीइंस्टॉल करना होगा और आपके इस परमिशन को ऑथराइज करना होगा। तो अभी हमने दे दिया कि इस चैनल इस पे पोस्ट बोट चैनल पे पोस्ट कर सकता है, मैसेज रीड कर सकता है, मैसेज पोस्ट कर सकता है, और अपने देखा जाए जो हमने हेलो वर्ल्ड दिया था एज यूजर ट्रू फॉल्स करने के बाद मैसेज आना स्टार्ट हो गया। जब आप इसको डायरेक्ट देंगे तो आप तो भी काम हो सकता है। चलिए अब रीड करने का मेथड बनाते हैं, रीड एंड रिप्लाई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मैसेज आएगा हम उसको सिंपली रिप्लाई कर देंगे। इस डेमो में हम इतना ही रखेंगे, अगले डेमो में हम एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट लुई लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलपी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें आप जो यूज़र कुछ भी टाइप करेगा तो उसका एक आंसर आएगा। फिलहाल इस डेमो में हम सिंपली एक मैसेज पास करेंगे और आपको स्लैक के ऊपर उसका रिप्लाई आना चाहिए। पोर्ट आईडी ले लेते हैं और आपके रीड एंड रिप्लाई में हमने जो मैसेज भेजना है वो भेजा और पोर्ट आईडी भेजा। तो मैसेज इज इक्वल टू एससी डॉट आर टी एम रीड, ये आपका मेथड जब भी आप कॉल करते हैं तो आपका जो मैसेज आपके चैनल में होता है वो उठा लाता है। तो हमको क्या करना होगा, हमको लूप लगाना होगा एक एक सेकंड के इंटरवल पे।
फिलहाल हम इस सिंपल प्रिंट लगा के देखते हैं क्या आते हैं। देखिए अभी अगर कोई मैसेज नहीं है तो सिंपल सिंपल लिस्ट प्रिंट होगी। तो हम एक ही फैस लगा के इन सारे फालतू मैसेजेस को इग्नोर कर सकते हैं। एफ एम एस जी एस टी आर एम एस ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे जेसन को, चेक कर लेंगे कि ये ब्लैंक तो नहीं है। अगर नहीं होगा तभी हम आगे मैसेज की रिप्लाई रिसीव करने की ट्राई करेंगे। वाइल ट्रू एक फंक्शन बना देते हैं। हम क्या करते हैं, जब यूज़र एंड यूज़र जो भी स्लैक के ऊपर टाइप कर रहा है अगर वो एस टी ओ पी स्टॉप टाइप करेगा तब हम अपना बोट को बंद कर देंगे। इन एक्चुअल में आपको इस बोट को कभी बंद नहीं करना होगा, बट डेमो के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको बंद कर देंगे जब यूज़र स्टॉप टाइप करेगा। तो हमने क्या किया, अगर मैं वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को ब्लैंक से इनिशियलाइज कराया, अगर वेरिएबल में टॉप स्टॉप आया है तो एलिवेट की कॉन्टेंट एक टेम्प्रेरी मैसेज टाइप किया। और ये टाइप इज कॉलन हेलो, ये भी एक डिफ़ॉल्ट मैसेज है। जब भी आप आरटीएम कनेक्ट करेंगे तो टाइप इज इक्वल टू हेलो एक मैसेज आएगा, आपको इसको इग्नोर करना होता है। हेलो देयर और हेलो डिफरेंट है, हेलो को आपको इग्नोर करना होगा। देखिए आना स्टार्ट हो गया, टाइप हेलो यूज़र टाइपिंग ये सब प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें देखिए आप कई तरह के मैसेजेस हैं, आपको सिर्फ टाइप इज इक्वल टू मैसेज सिर्फ उसी को यूज़ करना है, बाकी सारे आप इग्नोर कर दीजिए। तो हम इस कोड को मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बना बनाया कोड वहाँ से उठा सकते हैं। तो हमने क्या किया, पोस्ट टू स्लैक, हमने एक रिप्लाई, हमने चैनल भी, अगर क्या हो रहा है आपके पास एक मैसेज आ रहा है स्लैक से, आप चेक कर रहे हो उस मैसेज के अंदर चैनल कौन सा है, यूज़र आईडी कौन सी है और यूज़र का टेक्स्ट क्या आया है, तो आप वो सारी चीज़ें ले रहे हो और पोस्ट करते हुए उसी चैनल के ऊपर वापस उस रिप्लाई पोस्ट कर रहे हो। तो आपने एक चैनल उठाया, चैनल इज इक्वल टू मैसेज जीरो मैसेज ब्रैकेट जीरो, बिकॉज ये एक लिस्ट है, पाइथन लिस्ट है, जैसन लिस्ट। तो उसमें आपने जीरो उठाया, सबसे पहले चेक किया कि अगर ये मैसेज है लाइन नंबर 22 पे, अगर ये मैसेज है तो उसका चैनल उठाया, उसका रिप्लाई मैसेज क्रिएट फॉर्म किया, आई गॉट समथिंग वट एवर, जो भी मैसेज आया हमने लिख दिया आई गॉट ये मैसेज। और अगर यूजर ने भेजा स्टॉप तो गुड बाय लिख देंगे। हम रिप्लाई में दे देंगे गुड बाय, इससे हमारे को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि चैटबॉट हमारी बात सुन भी रहा है कि नहीं। चलिए ट्राई करके देखते हैं। थैंक्स टी आई गॉट देयर, ये सारे जितने मैसेज हमारे चैनल में हैं उन सबको बार बार रीड कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैसेज यूज़र से आया है तभी उसको यूज़ करना होगा, या बोट से जितने बोट के जितने मैसेज हैं उसको इग्नोर करना होगा। देखिए आई गॉट थैंक्स, जितने भी मैसेज हमारे चैनल में हैं उन सबको लेके उनके रिप्लाई फॉर्म कर रहा है, आई गॉट प्रीपेंड करके और शो कर रहे हैं। स्टॉप करेंगे तो बोला आई गॉट आई गॉट आई गॉट आई गॉट समथिंग, जितने भी मैसेज हैं उनके रिप्लाई बनाएगा और स्टॉप की फिर रिप्लाई दे देगा, स्टॉप की रिप्लाई दी गुड बाय। हमारा बोट अभी तक ठीक काम कर रहा है, हमारे को सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी है। सबसे पहले एज यूजर इज इक्वल टू ट्रू करना है और यूज़र चेक लगाना है, इफ यूजर इज इक्वल टू बोट आई डी, जो हमने बोट आई डी भेजी थी, बोट आई डी का यहाँ यूज था, लाइन नंबर, हाँ अब सही काम कर रहा है। चलिए पूछते हैं गुड बॉट, या ठीक है, तो आपकी ये लाइन है जो इस रिपीटिशन को अवॉइड करेगी और आपका बोट सही काम कर रहा है।
थैंक्स। अगले मैसेज अगले वीडियो में हम इसको माइक्रोसॉफ्ट लुई के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ पे हम इंटेंट अटरेंसेज और रिस्पॉन्सेज बनाएंगे। मेरा मानना है कि हमें हमेशा कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा आज के लिए कि आप पानी को सेव करें। हमारे देश में पानी की, हमारी दुनिया में पानी की बहुत कमी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बदले, आप चाहे मुझे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना करें, बट आपके घर में कोई टैप नहीं चल रही है, टैप एक्स्ट्रा चल रही है, तो आप उसको बंद कर दें। क्या जहाँ पे भी आपको लगता है पानी वेस्ट हो रहा है, आप उसको बचाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।